हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार आप सबके साथ एक और नए वीडियो के साथ आया हूं। आज बहुत ही बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं एयरफोर्स के रिगार्डिंग, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियली दिखाऊंगा। कोई भी ऐसा फेक इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाएँ। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप सब को सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ एयरफोर्स का एक और वैकेंसी आ चुका है और मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊँगा, कोई भी ऐसा फेक नोटिफिकेशन नहीं दिखाऊँगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग के सामने ही सर्च करूंगा सरकारी रिजल्ट। देखिए, मैंने सरकारी रिजल्ट सर्च कर लिया और मैं अब इस पर क्लिक करने वाला हूं। देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स का वैकेंसी आ चुका है फॉर्म 2022। मैं इस पर ओपन करने वाला हूँ और ओपन करके मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये खुल चुका है इंडियन एयरफोर्स का, जो भी है इसका खुल चुका है 11 फरवरी 2022, 11:01 पर इसे डाला गया है। और ये सबसे पहले अपडेट मैं बता रहा हूँ, नेवी फास्ट अपडेट वाले बता रहे हैं। तो देखिए, इसका पूरा डिटेल देखिए, इसका जो इसका जो अप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 28/1/2022 से चालू होकर इसका लास्ट डेट 19/2/2022 रहने वाला है। और एक और खुशी की बात यह है कि इस पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें 0 रुपया आपका है, कोई फीस नहीं लिया जा रहा। और उससे भी ज़्यादा खुशी की ये बात है कि जो भाई का एज कम है, 15 है 14 है, तो वो भाई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें मिनिमम एज 14 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम एज 21 वर्ष रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है, जो कि SC है तो उसको 5 साल और OBC है तो उसको 3 साल का छूट इसमें दिया गया है, और जनरल वालों का कोई भी छूट नहीं दिया गया है। 14 से 21 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और बात बता देना चाहता हूँ कि 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि इंटरमीडिएट में आपका 50% ऑल सब्जेक्ट मिलाकर होना चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मतलब कि ITI का आपके पास डिग्री होना चाहिए। और उसमें आपका 65% अनिवार्य है, अगर आपका 65% से कम है, 64 है 63 है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग भी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि 65% आपका मार्क्स होना अनिवार्य है। और देख लीजिए किस ट्रेड में कितना वैकेंसी है, वो आप लोग अपना स्क्रीन रोक कर या वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कितना क्या वैकेंसी है। और इसका अप्लाई भी ऑन हो चुका है, देखिए अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यही एक अपडेट था जो कि एयरफोर्स के तरफ से आ चुका है, और आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए, इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।